प्यारे छात्रों, तो मेरे पास आ चुका है आपका बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर। पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, ये पार्ट टू है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से पार्ट टू डाल दीजिए, जिसमें आप प्रश्न 1 से आप 22 तक सभी सॉल्यूशन बताइए। तो मैं देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ये 16-17 हैं, सभी प्रश्न हैं, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 7th का है, और इससे पहले मैंने जो आपका हिंदी का पेपर हो चुका है वो मैंने बता दिया है, और वही आपका फंसा था। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट इंग्लिश का अगर चाहते हैं पूरे 50 में से 50 अंक लाना, तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और जब आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर जो हमारा मोटिवेशन है वो नहीं आएगा। आप बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल फ्री है। आप बस वीडियो को बस एक बटन दबाना है। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो काम रहता है उस पर जो रहता है एक पता चलता है कि हाँ, इस बंदे ने ये काम किया है, तो इसलिए इसको ये लाइक्स मिली है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, इससे क्या होगा कि हम काम भी आपको और अच्छी तरीके से कर कर बता पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता होगा, आपने पहला पेपर दे दिया है। यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे गद्यांश दिया गया है, तो द बिग बनियन ट्रीज इन अवर विलेज इन 50 years old, इट स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, ऑल द विलेज चिल्ड्रेन प्ले नियर इट, दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। तो आपको ये दिया गया है, एक बनियान ट्री आपका जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा वो द बनियान ट्री है ना। तो यही उसी से आपके यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और यही आपको आएंगे। तो जल्दी से इनको याद कर लो। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए द बनियान ट्री इज ईयर्स ओल्ड, तो द बनियान कितना था, 50 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में 50 ईयर्स ओल्ड कर लेना है। तो ये आप प्रश्न पहले का उत्तर लिख लोगे। इसके बाद बच्चों देखिए प्रश्न दूसरा है, हु स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, यानी स्विंग यानी क्या, घूमना झूलना बोल सकते हैं। तो कौन झूलता है ब्रांचेस यानी शाखाओं पर बनियान की ट्री पर, तो कौन, चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी कर लेना है। इसके बाद देखिए वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, ओके, तो आप कहाँ से जो ताज़ी हवा है प्राप्त कर सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा ट्री। बच्चों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिल जाए, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। यदि आपको लिंक जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फुल ग्रुप दिखेगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मैं एक और लिंक वहाँ पर एक्टिवेट कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हाँ सर, इसका आपका जो ग्रुप है वो फुल हो गया है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल जाए, नहीं तो मैं मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं न्यू ग्रुप कैसे बनाऊंगा। ओके, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। ये तीसरा प्रश्न उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा देखिए, द स्टोरी इज अबाउट, ओके, तो द स्टोरी इज अबाउट, तो ये स्टोरी है वो किसके बारे में बताई गई है, तो ये बताई गई है द बनियन ट्री के बारे में बताई गई है। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर आप यहाँ से कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न, यहाँ पर आप 5 देखेंगे, प्रश्न 5 है, खालिस्तान है टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून, तो ये हो जाएगा पासर वाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 है, द अपोजिट ऑफ स्मॉल एज है ना, तो अपोजिट क्या है स्मॉल का, तो यहाँ पर आप कर दोगे बिग, तो अपोजिट है स्मॉल का बिग, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 7, द बनियान ट्री सी स्टेज डे एंड नाइट, तो ये क्या करती है, इन द सन एंड रेन, ओके। अगला देखिए प्रश्न 8, द प्लूरल ऑफ ब्रांच एज, तो यह प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा ब्रांच का, ब्रांचेस, तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस कर लेना है। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को दोस्तों के साथ फैला दो। अगला देखिए द पास्ट टेंस ऑफ सिट इज, तो ये हो जाएगा SAT होगा, SET नहीं होगा, गलत कर दोगे। ओके, सिट का होगा सेट, ओके, सिट सेट सिट,
ये तीनों फॉर्म होती हैं इसकी, तो ये प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10, पिक द ओड वन आउट एंड राइट, यानी ओड वन का मतलब होता है विषम चीज़ हमें छांट कर लिखना है। ऑप्शन ए है ट्री, ऑप्शन बी है लीव्स, ऑप्शन सी है ब्रांचेस। देखिए ट्री में लीव पत्तियाँ होती हैं और शाखाएँ होती हैं, तो ये तीनों क्या एक ही है, जबकि चिल्ड्रेन बच्चे ये आपका अलग है और, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब आपकी स्टार्ट होती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आपको 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 11 है, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और जो भी बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका जो नाम इस वीडियो में लिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, आपको क्वेश्चन 11 लिख कर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। जो भी बच्चा इसका आंसर सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा उसका आपको सबसे ऊपर कमेंट दिखेगा, ओके। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखिए, राइट द रामिंग बर्ड्स फॉर, तो हमें वॉल का लिखना है, तो हॉल हो जाएगा वॉल का हॉल, किट का हो जाएगा हिट, और ट्री का हो जाएगा फ्री। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, फाइंड द ओड वन एंड राइट, है ना, फाइंड करना है ओड वन एंड उनको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए रिवर, ओशियन, ट्रीज और लेक। तो रिवर नदी होती है, ओशियन सागर होता है, और लेक तालाब होता है ना। तो ट्री यानी पेड़ ये अलग हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ट्रीज कर लीजिए। इसके बाद देखिए पेन, शार्पनर, इरेजर, बुक। तो ये पेन, शार्पनर, इरेजर रिलेटेड है, जबकि शार्पनर आपका डिफरेंट है। अगला देखिए ब्लू, रेड, ग्रीन, बोतल। तो ये देखिए ब्लू, रेड, ग्रीन ये क्या आपके कलर हैं, जबकि बोतल क्या है, एक अलग चीज़ है जो कि जिस कलर की होती है। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, बोतल हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग द वर्ड, ओके। तो आपको यहाँ पर रैन, BOW, तो ये हो जाएगा रेनबो। इसके बाद हो जाएगा रैन कोट, रैन ड्रॉप। इसके बाद प्रश्न 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साइलेंट लेटर्स। तो ये पहला मैंने नहीं दिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आता है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन 15 कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन 15 आंसर लिखकर ए कर आपको लिखना है, जबकि बी का मैंने यहाँ पर लिख दिया है रॉन्ग, और सी का लिख दिया है ऑनर। तो जल्दी से आपको ये आंसर भी बताना है जो मैं बताता चल रहा हूँ। जो भी बच्चे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताएगा उसका कमेंट सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पर ये देखेंगे द लीप ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, है ना। तो यहाँ पर लीप कर देना आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखिए द लीप ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, ओके। तो इस तरीके से तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कर लेना है, ओके सॉरी, यहाँ पर आपको लीव्स करना है, ठीक है, लीव्स करना है सही आंसर, लीव्स होगा, क्योंकि लीव्स बहुत सारी पत्तियाँ हैं और जो कि आपको प्लांट्स पर देखने को मिलती हैं, ओके पत्तियाँ। अगला देखिए, ब्रश योर टीथ एवरी डे, यानी कि अपने दांतों को ब्रश करें, जबकि इंडिया इज ए, तो इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो यहाँ पर आपको कंट्री कर देना है। इसके बाद देखिए, राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। तो यहाँ पर मूव का हो जाएगा पास्ट में हो जाएगा मूव्ड, और क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न 18 देखें, प्रश्न 18 में आपसे पूछा गया है कि अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट। तो यहाँ पर पहला है द चिल्ड्रेन लॉर्ड लाउडली, तो यहाँ पर आपका लाउडली जो रहेगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ओके। यहाँ पर रवि राइड्स नेटली, तो यहाँ पर नेटली आपका एडवर्ब हो जाएगा, जबकि द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, तो स्लोली आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट। तो पहला है राना, राधा एंड रेखा आर टू सिस्टर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है ए मैंगो ट्री इज स्टिल बट ए टोमेटो प्लांट इज शॉर्ट, तो यहाँ पर आपको बट कर देना है। इसके बाद देखिए, सरिता वांट टू स्टडी बट सुनीता वांट्स टू प्ले, तो ये इसका आपको यहाँ पर कर देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यूज कैपिटल लेटर्स वार एवर नेसेसरी, जो आवश्यक हैं, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है, आप यहाँ पर देखोगे तो सभी क्या कैपिटल में लिख दिया है। अब आप देखोगे तो आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर आपको देखिए पहला लेटर होता है कैपिटल में, तो यहाँ पर आपको देखिए जो पहला लेटर W बना देना है, पर ऐसे कैसे लिख देना है, वेयर डज, ओके। फिर आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति या नाम होता है तो वह कैपिटल में हमेशा बनता है, तो ये आप कैपिटल में बना दें सालू, और फिर ये आपको ऐसे का ऐसा लिख देना है, तो ये आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, तो पहला आपको कैपिटल बनाना है, ये आपका गलत है, ठीक है, ओके। तो ये आपका गलत है,
यहाँ पर आप लिखेंगे पहला कैपिटल में पर आई, ये आपको ऐसा ही लिख देना है, लिव इन, यहाँ पर भोपाल स्थान का नाम है तो यहाँ पर आप कैपिटल में बनाएंगे BHOPAL। ओके, इसके बाद देखिए अनीता, तो अनीता नाम है तो ये कैपिटल बनेगा और पहला अक्षर भी इसलिए कैपिटल बनेगा, तो अनीता लिव्ज, अनीता लिव्ज इन, तो इंदौर में आपको आई कैपिटल बनाना है, INDOR E। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लिखना होगा। ओके, चलिए देखिए बच्चों 20 तक मैंने बता दिए हैं, अब चलिए अगला प्रश्न 21-22 के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप वहाँ से इन प्रश्नों को डाउनलोड कर पाएँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से शेयर कर दो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो।